इस बार बन रहा है कल्याणी बोट पार्क में जल महल। तो क्या देखना है कल्याणी में दुर्गा पूजा 2024 में जल महल? ये रहा रियल जल महल का पिक और ये रहा बनने वाला जल महल जो कि दुर्गा पूजा पैंडल के रूप में कल्याणी बोट पार्क में इस बार बनाया जा रहा है। यहाँ आने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, कल्याणी आईटीआई मोड़ पर बन रहा पांडल के पास आओ और इसके पास इजीली पहुँच ही जाओगे, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम है प्रियांशु एंड वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो ऑफ कल्याणी बोट पार्क। दुर्गा पूजा 2024, कोलकाता दुर्गा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा पैंडलों के बाद, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फेमस और वायरल थीम्स लेकर आता है वैसा लोकेशन है कल्याणी। कल्याणी पिछले 3-4 सालों से कुछ ज़्यादा इतना वायरल हो चुका है कि यहाँ लोग आना भूलते ही नहीं। और आप दुर्गा पूजा के टाइम तो कल्याणी लोकल में तो आप मतलब ना सफ़र ही नहीं कर सकते, आपका गला ऐसे दबा दिया जाएगा, ऐसा कुछ सीन रहता है। इस बार दुर्गा पूजा 2024 में कल्याणी आईटीआई मोड़ पर बनाया जा रहा है वॉट अरुण मंदिर, जो कि बैंकॉक का एक बुद्ध मंदिर है। बट कल्याणी आईटीआई मोड़ के ठीक पास में लोकेटेड ये बोट पार्क है और इस बोट पार्क को इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसके सामने एक बोट मतलब बना हुआ है शो पीस के लिए। इसमें फाउंटेन्स वगैरह लगाई जाती है दुर्गा पूजा के टाइम। बट हाँ, यहाँ पर भी एक पैंडल बनाया जाता है हर साल दुर्गा पूजा में, और इस बार दुर्गा पूजा 2024 में यहाँ पर बनाया जा रहा है हवा महल, जहाँ पर देखो ये बैनर है, सॉरी जल महल, ये देखो बैनर आपको दिखाता हूँ मैं। 55 साल हो चुका है इन लोगों का, बंगाली में लिखा हुआ है 55 वर्षे आमादेर माँ थाकबेन जल महले, यानी कि यहाँ एक जल महल का पांडाल, मतलब ये इमेजिनेशन है, ये कोई हमारे जल महल मतलब ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब ये जल महल यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक ऐसा रूप दिया जा रहा है पैंडल को, आप देख सकते हो सेम है, थोड़ा सा बस चेंजिंग वगैरह शायद हो सकता है। बट तो मैंने ये चीज़ें मान ली है कि कोलकाता में दुर्गा पूजा में कुछ भी कॉपी करा जा सकता है। ये पैंडल इस बार बनाया जा रहा है कल्याणी बोट पार्क में। और अभी आगे चलो, मैं आगे जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर मतलब ना पैंडल की सारी ना प्रिपरेशन इसके अंदर होती है, स्टैंड के भीतर, और स्टैंड के भीतर प्रिपरेशंस मतलब मिस्त्री जो वर्कर्स होते हैं पैंडल के, वो इसी के अंदर रहकर काम करते हैं। और इनकी और भी बहुत सारी पैंडलों में काम होती है इन लोगों की, इन वर्कर्स की। और ये पैंडल देखने में कुछ अभी ऐसा है, शाम का टाइम आ चुका है इसलिए क्वालिटी थोड़ी डल हो चुकी है, इस चीज़ के लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम फिर से एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो डालने का ट्राई ज़रूर करूँगा। पैंडल अभी सामने से कुछ ऐसा ही है कि बस आपका बेस स्ट्रक्चर बाँसों का स्टार्ट हुआ है, मतलब बन के कम्प्लीट थोड़ा सा हुआ है, आपको उसके ऊपर बीट्स की जो पूरी काम है ना ये अभी चल ही रही है। ये देखो पतली पतली बीट्स जो मैंने दिखाई है, हर वीडियो में हर पैंडल में ही बनाई जाती है, इस बीट्स को बिना कुछ करा जाना पैंडल में संभव ज़्यादा नहीं होता। इस बीट्स को तैयार करके इस पर लगाया जा रहा है और उसके बाद इस पर कपड़े का काम करा जा रहा है, पीले कपड़े का। उसके बाद इस पर फोम्स वगैरह ही वर्क होगा, फोम्स के बाद आपको उसके अंदर है जो भी वर्क हो रहा होगा, इस टेंट के अंदर काम हो रहा है, प्रिपरेशन का सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। और ये रहा ये पैंडल, पैंडल ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा है, शायद 40 से 50 फुट ऊँचा हो और चौड़ाई में भी आपका 60 से 70 फुट के लगभग चौड़ाई जाएगी शायद। पैंडल के अंदर वर्कर्स हैं लेकिन वो अपने काम पर हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा और पैंडल जब तक ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुका होगा उस समय एक अच्छी से वीडियो क्रिएट ज़रूर करूँगा, मतलब अपडेटेड वीडियो लाऊँगा उस चीज़ पर। तो ये थी आज की वीडियो, और ये स्पेशल वीडियो के बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना तो कर लो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, धरती पलटने का, बच गया ना धरती, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, सो स्पेशल वीडियो आने वाली है दुर्गा पूजा पैंडल से रिलेटेड, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।